फोन टूटा है तो कम से कम मम्मी के लिए। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा रॉ मतलब कच्ची और अच्छी है। इस वीडियो के किसी भी पार्ट से अगर आपको ठेस पहुंचती है तो कृपया उसको ठोस करके इग्नोर कर देना, मगर फिर भी मैं पहले ही आप सभी से क्षमा मांग लेता हूं और चुपचाप दिमाग को सुन करके वीडियो को एंजॉय करना। अगर कोई पार्ट बोरिंग लगे तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। तो तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आज हमारे पुनिया का हैप्पी बर्थडे है, तो सबसे पहले पुनिया को हैप्पी बर्थडे। जैसा कि पुनिया का बर्थडे है तो आज हम उसको इतना ज्यादा स्पेशल फील कराएंगे कि ये भी सोचेगा कि आज के दिन पैदा क्यों हुआ। दोस्तों ये थप्पड़ नहीं है, ये सिर्फ इसको मेमोरीज याद दिलाई जा रही है, इसको अपना पिछली कुछ मेमोरीज की रिकॉल कराई जा रही है। जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन इसने थप्पड़ खाया था, तो बस ये वही है। अभी तक मैंने मार नहीं दिया, अभी तक इसने मार नहीं दिया। तो जैसा कि पुनिया आज के दिन पैदा हुआ था मतलब कि आज इसका बर्थडे है, तो उसको नया नया वाला बनाने के चक्कर में कुछ नए कपड़े दिलाने चलते हैं। तो पुनिया आपको कौन सी कंपनी के डायपर चाहिए, मतलब कि कपड़े चाहिए? माचो जे बा बता दो कौन सी ला रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे हम, बता दो तुम कहीं तो जा रहे हैं। हम सिर्फ पुनिया को कपड़े दिलाने जा रहे हैं। कपड़े दिलाने तो जा रहे हैं, ये कुछ खा के आएंगे पी के आएंगे, मुझे ले चलो हमारा बताओ। ना मैं कुछ खा के आ रहा हूँ, मेरा भी है ना, मैं कुछ खा के आ रहा हूँ ना मैं कुछ पी के आ रहा हूँ। मैं सिर्फ कपड़े लाने का अधिकार मेरा, मैं सिर्फ पुनिया को कपड़े दिलाने जा रहा हूँ और उसको केक दिलाने जा रहा हूँ। चलो रे चलो, छोड़ देगी तू भैया, तुम समझ नहीं आ रहे हैं। मंगल ग्रह में तुम चुप ना जा रहे भाई, कहीं ना जा रहे। चलो भाई चल जल्दी चलो। जा रहा हूँ ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ मगर आए पीछे बैठे आएगा। प्यारे ठेस बुद्धि कह के प्यारे ठेस बुद्धि हर जगह पिटवाते रहते हैं। मैं माँ कसम खा रू जे दौड़ने खत्म कर दूंगा उतना। हमारी तरफ से अप्रूवल आपको दिया ठीक है, तुम्हारे यहाँ जी गए आयु। यस जाको बर्थडे बनाओ ओके, और जाके मरंदिर बनाओ बिल्कुल जी। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं वो आप देख लेना। बस इतनी ड्रामेबाजी बहुत है। चलो घर से तो निकल आए हैं, कितना कहाँ क्यों कैसे जाएंगे ये सब नहीं पता, तो गाड़ी को पिला लेते हैं फ्यूल। तो दोस्तों जैसा कि शेर पालते हैं तो खर्चे से क्या डरना, उसी तरह हमारे पास जी वैगन सॉरी वैगनार है, तो इसमें सीएनजी भी है भरना। यार भाई यार थप्पड़ लगा रहा है, जा मैं आई जी खत्म है तुम्हारे, क्यों जा के सब खत्म होंगे। अरे अरे दोस्तों हमारे यहाँ का दिल्ली हार्ट सस्ता वाला। तो दोस्तों आखिरकार हम जूडियो सही सलामत पहुँच ही गए। दोस्तों हम पुनिया को चमकाने के लिए ले आए हैं जूडियो। स्वागत है आप सभी का इस लिफ्ट में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीली नीली लाइटें लगी हुई है। आप एकदम से बाल में सांड क्या बन जाते हो। दोस्तों पता नहीं ये जूडियो वाले क्या सुनकर कपड़े सेट कर रहे हैं कि ये स्वेटर इतनी गर्मी में क्या कर रहा है, क्या आपके घर पर सर्दी है? नहीं। तो आपको एसी की जरूरत है। तो पुनिया यहाँ लेके जाओ, जब भी आपका बिकने का मन करे इस टी-शर्ट को पहन लेना, आप कहीं एक ही टी-शर्ट से पहन के बाहर बिक सकते हो। तो पुनिया आप इसको ट्राई करिए जल्दी से, और साथ में आप इसको भी लेके जाइए। इस बुद्धि में सुंदर लग रहा हूँ ना? हाँ पर मुझसे कम लग रही हो तुम सुंदर। थैंक यू वेरी मच। ओके।
दोस्तों हमारा पुनिया इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि इसकी सुंदरता ने मुझे अंधा कर दिया। इसकी सुंदरता ने मेरे चश्मे को काला कर दिया है। दोस्तों पुनिया इज इन द कपड़ों की दुनिया। पुनिया को सुंदर बनाने की प्रक्रिया में हम सभी लोग जुट जाते हैं। पुनिया इसको पहन के तू बन जाएगा ताश का पत्ता। सभी लोग दिमाग छोड़कर जी जान लगाते हैं पुनिया के लिए अच्छे कपड़े ढूंढने में। तो हमारा पुनिया फिर से बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा। आपको क्या ट्राई करना चाहिए वो कहा है? ताश वाली शर्ट इसको ट्राई करिए और सफेद वाला शॉर्ट्स पहनिए। तो दोस्तों फाइनली पुनिया के कपड़े तो हो गए सिलेक्ट, बस अब इनका बिल कटाते हैं और यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। पुनिया बहुत खुश हो गया लेकर अपने वस्त्र। अब क्या लेना चाहोगे पुनिया? पुनिया लेना चाहेगा एक बड़ी सी केक। आइए चलते हैं, कहाँ मुझे नहीं पता, देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ गए केक लेने। इतनी सारी केक में से हमारा बनिया एक केक को नहीं चुन पा रहा, तो ये मैं से उसको कैसे चुनेगा? जैसे तैसे एक केक को चुनकर और पेमेंट कर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि पुनिया का सेलिब्रेशन हल्का फुल्का हम यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं, मतलब एक साइड को गाड़ी खड़ी करके, क्योंकि हम घर पर शायद ज्यादा उदम ना मचा पाए। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पुनिया के यहाँ पर खूब सारा एंजॉय करते हुए उदम मचाएं, मगर अगर हम वहाँ पर उदम नहीं मचा पाए तो ऐसा फिर बाद में बेकार ना लगे, तो इसलिए हम इस मौके को नहीं गवाते कि हम बाहर आए तो इधर ही कहीं उदम मचा लेते हैं। भाई क्या भाई, तो अभी पुनिया और ठेस बुद्धि मोमोज लेने गए और हाँ कभी कभी तो चलते हैं। हमारा पुनिया मोमोज लेके आ गया है, देखियो। पर ये नहीं खाएगा क्योंकि इसी जिम वाले भैया ने मना करा है, लेकिन हमारा पुनिया मोमोज नहीं खाएगा, तो चलिए भाई। ओए मार पड़ेगी भाई बड़े भाई। बस तो मन पहले गाड़ी को डिसेंट तरीके से पार्किंग में लगाते हैं जहां पर एक भी गाड़ी नहीं होती। तो घर जाने से पहले पुनिया का छोटा सा हम पुनिया का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए, क्योंकि हमें लगता नहीं कि हम इसके घर पर खुल के एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि माई आई है। तो दोस्तों ये रेड बुल है और ये सिर्फ एनर्जी ड्रिंक है, और इसका टेस्ट मीठा है काफी अच्छी, और मैं ये जिंदगी में दूसरी बार पी रहा हूँ। पहली बार मैंने कब पी थी? पापा ले गए थे कैंटीन से तब पी थी, और मैं पहली बार पी रहा हूँ। इससे पहले मैंने मॉन्स्टर पिया था अपने बर्थडे पर। टेस्ट वैसे इतना गंदा नहीं है, थोड़ा मीठा सा है। टेस्ट गंदा है? थोड़ा थोड़ा नेक नेक। हाँ थोड़ा थोड़ा तो क्या, टेस्ट गंदा है, टेस्ट गंदा है बिल्कुल। इसे क्यों ही टेस्ट गंदा लगेगा, ऐसे तो बिल्कुल टेस्ट गंदा नहीं लगेगा। और खैर मत पीना, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कभी ट्राई मत करना। मोमोज ट्राई करते हैं। तो ये हल्की फुल्की पेस्ट्रीज लाए थे और ये काटेगा, तो तैयार हो जाइए इसका हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। बेल्ट दिया, बेल्ट। तो पुनिया आप तैयार हो? ठीक है पुनिया तैयार है, हैप्पी बर्थडे। चलो ये क्या आ गया, यस यस, हमारे तो हाथ ही काफी है या? ठीक है ठीक है, ओके। हैप्पी बर्थडे पुनिया, हैप्पी बर्थडे पुनिया, हैप्पी बर्थडे पुनिया, हैप्पी बर्थडे पुनिया, हैप्पी बर्थडे पुनिया। दोस्तों मेरा फोन छूट गया, टूटने से बच गया, और ये पूरी करतूत ठीक ठाक बंदे की रही। दो और तेज, और तेज, और तेज। मेरा फोन टूटा है तो कम से कम इसका कुछ फायदा होना चाहिए। टूटा नहीं है, सॉरी, बस गिर गया था, बच गया। स्टील की बॉडी है मेरे फोन की। बस करिए, इतना काफी है इसके लिए। तो आपको कैसा लगा पुनिया? बहुत अच्छा लगा, इसको बहुत अच्छा लगा, बस बोल नहीं पा रहा है। खुशी इसकी आंखों से साफ झलक रही है, देख सकते हैं इसके दिल में। एक और बार। तो चलिए अब थोड़ा खा पी लेते हैं। पांच मोमोज हैं, कौन से हैं ये? तंदूरी मोमोज, ये तंदूरी मोमोज है, तंदूरी मोमोज ड्राई है ऐसे, यार चटनी वटनी। हाँ, और ये है कुरकुरे मोमोज विद पनीर। कुरकुरे मोमोज कौन से? कुरकुरे मोमोज विद पनीर। कुरकुरे मोमोज विद पनीर, ओके। ऐसे इंग्लिश शब्द तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते, है ना, विश्वास नहीं होता। और ये है पनीर, जो है चॉकलेट केक। हैप्पी बर्थडे
हैप्पी बर्थडे टू जो हमें हमारे साथ रहता है। और इसके बर्थडे की केक मैं भी खा लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी हम भी खा लेते हैं। आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये है कुरकुरे मोमोज, इसमें है पनीर, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें फीलिंग है। अब मैं ज़्यादा फूड व्लॉगर नहीं बनूंगा, बस मैं खा लेता हूँ क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ बहुत दिन बाद खा रहा हूँ। कौन से? ये तंदूरी ड्राई, ये है तंदूरी ड्राई मोमोज। आपको मैं खाता हुआ दिखाता हूँ कि देखो मैं कैसे खाता हूँ। आपको खाने अगर आपको उनका टेस्ट जानना है तो आसपास की नज़दीकी दुकान पर जाइए और वहाँ से खरीद कर खा लीजिए। तो देख सकते हैं सस्ता सा सेलिब्रेशन हो चुका है। माँ का समझिए बुद्धि खराब होगी रेड बुल पी के। एक भी एनर्जी ड्रिंक, इससे भी पहले हमने मॉन्स्टर पी थी, उसमें भी मजा नहीं आया था, इसमें भी मजा नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक रहती है। देखो ये बस नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, तो कृपया ऐसे एक्स्ट्रा कूल बनकर कभी उनको मत खरीदिए, क्योंकि एक तो महंगी आती है, इससे ना तो प्यास ही बुझ रही ना ही स्वाद ही लग रहा, बस पीनी पड़ रही है। ज्यादा हुआ तो मजा आया फ्रूटी ले आइए, ये सब ऐसी ओवर हाइप्ड बना रखी है इनकी, मत पीजिए ना बेकार है। हमने तो आज पिया, अब नहीं पियेंगे। तो आज के लिए बहुत बन लिए कूल, जो काम हमको सबसे बुरे लगते थे माराकूटी वाले बर्थडे पे हमने वो भी कर लिए, ठीक है। ऐसे एक बार करना चाहिए। अब किधर चलूं? इधर। उसके आगे भैया, उसके आगे ये कि घर से फोन आ रहा है और अब हमें घर पे जाना चाहिए और परिवार के साथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। मामी जी के भी साथ। अंकल, अंकल को समझा लो। खाली रोड है यार, खाली रोड है पूरी। वो सोफा रास्ते में क्या कर रहा है? ये सोफा सोफा। पुनिया की जितनी कुटाई होनी चाहिए थी शायद उतनी हुई नहीं। वैसे तो मैंने अपने आधा हाथ साफ किए नहीं, इन्होंने किए बहुत ज्यादा। बेल्ट पड़ी है सुनते सुनते। वो तो भैया मेरे हाथ में बेल्ट थी, मुझे लगा था इसके ज्यादा लग जाएगी, इस वजह से मैं आराम आराम से दे रहा था। अगर मेरे हाथ होते ना तो तेज तेज देता। जैसे कि देना देने चाहिए थे आपको भैया। मैं ये कह रहा हूँ मेरे हाथ का थप्पड़ ऐसा पड़ता है, बेल्ट तो कुछ नहीं इसके सामने। अच्छा। एक थप्पड़ पड़ा था, पूछो कैसा पड़ा था। है तेजबुद्धि? ए इसे पूछो। अरे मेरे क्यों मेरे पड़ा है भाई, मेरे। तेजबुद्धि क्यों सामने बैठा है? क्योंकि तेजबुद्धि का 30 तारीख का बर्थडे आ रहा है। अब तो प्रथा चालू होगी। आपका भी बर्थडे अगले साल? अरे तो अगले साल है, जब तक तुम बड़ा हो जाऊंगा जी। अगले साल आपका भी? मैं तो बॉडी बना रहा हूँ अभी से। मेरा? मैं तो पापा के साथ रहूंगा। अभी तो 30 तारीख का बर्थडे आ रहा है टेस्ट बुद्धि का। इसी तारीख को पता चल जाएगा इसकी क्या हालत होगी। वो मुझे सोच सोच के टेस्ट बुद्धि की शक्ल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खुश है। अरे यार रक्षाबंधन वाला है यार, तो इसकी रक्षा करेंगे ना। पंकज भैया मैंने थोड़े इस वजह से कम दिए थे क्योंकि एक मेरा बड़ा भाई लगता है, इस वजह से बेल्ट इसमें देना ज्यादा सो नहीं माना जाएगा, पर ये तो मेरा दोस्त है। इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये पहला ही बर्थडे जिसमें हमने मार कुटाई करी है अब इसलिए। लेकिन लेकिन हमको बड़ा मजा आया, हमें नहीं पता था कि इतना मजा आता है। हमें पता था इतना मजा आता। अब ये तैयार हो रही है, अब हमको शुरू मजबूरी में किए थे हम, लेकिन अब हमको मजा आ रहा है। ये अब हमको सिर्फ बर्थडे का इंतजार है, अब अगला किसका है? फेसबुक तैयार हो जाए। दोस्तों 30 तारीख के लिए तैयार रहना, ये तो तैयार है। तो दोस्तों हम घर पर पुनिया के आ चुके हैं और पुनिया बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो आप इसके प्रति गालियां सुनना, आप नहीं मतलब ये सुनेगा, आप सिर्फ देखना। ये है मेरे चाचा जी, मतलब ठीक ठाक बंदे के पिताजी। ये देखो पागल मतलब पायल आ चुकी है, जाओ। नमस्ते माई। ये इसका गेमिंग रूम है पुनिया का, देख सकते हैं इसमें नीली लाइट लगी है इतनी पुरानी। आइए पुनिया कपड़े पहनिए आप। दोस्तों ये पुनिया इतना गंदा नागरिक है कि ये बिना नहाए आज अपने बर्थडे पे भी नहीं नहाया, सुबह भी नहीं नहाया और अभी भी नहीं नहाया। कैसा इंसान है तू? मेरी समझ में नहीं आता तू किस प्रजाति का, ये कैसा इंसान है, किस प्रजाति का इंसान है जो इतने टाइम के बाद मतलब जो नहाता ही नहीं, सुबह नहीं नहाया, अभी नहीं नहाया, अपने बर्थडे वाले दिन नहीं आया, तो तू कब नहाएगा भाई? मैं समझता हूँ कि तू पैदा जब अरे कल मैं गंगा नहीं हुआ था तो उसके बाद तो नहाया जाता है ना, लेकिन तू अभी तक नहीं नहाया, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? देखो तू बिना नहाए अपने बर्थडे मना रहा, तुझे को बिल्कुल भी घिन नहीं आ रही, पीछे बात आ रही होगी सारी पसीना, और तू किस तरह से एंजॉय कर पाएगा इतना बर्थडे में? एक बात हम सुनेंगे, आज नहाया नहीं है मैं, इसके हाथ की कटी हुई केक बिल्कुल नहीं खाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल भी, अपने हाथ से काट कर खाऊंगा, अपनी सेपरेट केक खाऊंगा।
खाऊंगा, लेकिन इसके हाथ की नहीं खाऊंगा क्योंकि ये नहाया नहीं है भाई। तो क्यों नहीं नहाया यार, तेरे को बड़े मुंह तो ले भैया, कम से कम मुंह तो धो ले अपना भाई साहब, मुंह तो धोना, पैर हाथ पर तो धो ले, फेस वॉश नहीं है तो साबुन से धो ले। अरे कपड़े धोने वाला साबुन तो होगा, चमक जाता है। पहनी है ये शर्ट नहीं पहननी चाहिए, इसके अंदर तुझे वो पहननी चाहिए थी ये, तब तुझे आगे थोड़ा सा अच्छा लगता। अब देखो नहाया नहीं तो कम से कम ठीक ठाक अब समय हो गया पुनिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। पुनिया बारी बारी से सबको केक खिलाता मगर इनको जरा सा भी सब्र नहीं होता। तो बर्थडे सेलिब्रेशन समाप्त हो चुका है और अभी हम घर पर जा रहे हैं, और देखो इसने यहाँ पर भी केक खाई है और टिफिन में भर के भी ले जा रही है। इससे बड़ा भुक्कड़ आपको कहाँ मिलेगा। ये देखो ये अंधी हो चुकी है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो दोस्तों ये फोन के फ्लैश में अंधी हो चुकी है, अब इसको अपनी आगे का सब कुछ अंधकार में दिख रहा होगा। ये देखो ना इसको अपना इसको अपना कितनी केक था ये वाला नेक्सस ही। देखो हैप्पी बर्थडे पंगा दैया। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के। दोस्तों आखिरकार हम घर पे आ गए हैं और ये बच्ची केक लेकर आई है टिफिन में, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए। मैं खा के नहीं आई हूँ, सबके लिए। देखो कितनी लालची औरत है ये।